अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो है ऑडियोनिक का नया जो ईयर वेव टू जो फैन इन्होंने अभी लॉन्च किया है एक हफ्ता पहले, तो इसका भी हम आज रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि ये पहले वाले से कितना डिफरेंट है और क्या ये उससे बेहतर है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंशन किया गया है, जैसे कि कूल एंड पोर्टेबल है, इसमें 3 ब्लेड हैं, यहाँ पे जो है वो इसका स्ट्रांग एंड कूल वाइंड जो है ये मेंशन किया गया है, और साथ ही कंट्रोल बटन भी है, मैं ये आप देख सकते हैं, और वन हैंड ऑपरेशन, और साथ ही लिखा हुआ है यहाँ पे कि 3 गियर एडजस्टमेंट। अच्छा, तो यहाँ पे जो है इसका जो बेस है वो उसका इन्होंने मेंशन किया है कि पोर्टेबल रिमूवेबल बेस है इसका, और इसमें आप मोबाइल भी यहाँ पे रख सकते हैं, इसमें जो बेस में मोबाइल की जगह बनाया गया है। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर जो है जल्दी से मैं इसका आपके सामने अनबॉक्स करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका जो बॉक्स है उसके ऊपर जो कुछ मेंशन है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी मेरे नई आने वाली वीडियो है सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आप इसको देख सकते हैं, इसका जो पूरा इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों ये सामान आता है और साथ ही एक वारंटी कार्ड भी आता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे वारंटी कार्ड नंबर और ये ईयर वेव टू, और साथ ही वारंटी कार्ड जो है उसका जो डेट है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, एक्सपायरी डेट ये 31/12/2021 तक जो है ये वैलिड है। तो अभी इसको हम एक साइड पे रख देते हैं और आते हैं यहाँ पे जो फैन है, तो ये बहुत ही जबरदस्त और खूबसूरत डिजाइन के साथ जो है ये बनाया गया है। यहाँ पे जो है ये प्लास्टिक है, दूर से ऐसे नजर आता है जैसे कि ये रबड़ हो लेकिन ये प्लास्टिक है, और यहाँ पे जो है इसका बटन है, ये देखिए ये ऑन हो गया है। ये इसके तीन जो है तीन स्पीड के साथ ये आता है। यहाँ पे पीछे भी जो है इसका मॉडल नंबर वगैरह ये मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे इसका जो चार्जिंग पोर्ट है वो यहाँ पे है, ये माइक्रो यूएसबी है, और यहाँ पे इसका जो बेस है तो मैं आपको ये दिखाता चलूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आप मोबाइल रख सकते हैं, इसको हम इसके अंदर यहाँ ऐसे फिट कर सकते हैं, ये अभी ये फिट हो गया है। और साथ ही इसके अंदर एक बॉक्स के अंदर हमें एक केबल भी मिल जाता है जो कि यूएसबी टू माइक्रो यूएसबी केबल है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको इसका जो जो इसका हवा है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना पावरफुल है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका फर्स्ट स्पीड है, ये देखें, और ये जो है ये इसका मैं इसका स्पीड बढ़ा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, और ये जो है सबसे जो फास्ट स्पीड है तीसरा, तो वो जो है मैंने ऑन कर दिया है, ये आप देख सकते हैं कितना पावरफुल है। यहाँ पे इसका जो रैपर है वो भी मैं जो है इसके ऊपर जब पकड़ता हूँ तो ये देखें ये टिकता नहीं है हवा की वजह से, तो इसका जो हवा है वो अच्छी स्पीड जो है अच्छी स्पीड के साथ ये जो है तीसरे ऑप्शन में जो है अच्छा स्पीड प्रोवाइड करता है, ये देखें, और ये इसका जो नॉइज है जो इसका शोर है वो मैं आपको जो है यहाँ पे मैं आपको सुना देता हूँ, तो बहुत ही खामोश है, बिल्कुल आवाज कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा शोर नहीं करता, नॉर्मल जो है इसका आवाज है। तो इसका जो प्राइस है वो अभी
दराज के ऊपर 850 रुपए जो है इसका प्राइस है दराज के ऊपर। तो 850 रुपए में जो है बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, आप अगर इसको लेंगे तो आपको जरूर पसंद आएगा। पहले जब मैं ले रहा था तो मुझे नहीं लग रहा था कि इतना कुछ खास होगा, लेकिन अभी जब मैंने इसको देखा तो बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। इसका जो हवा है वो भी बहुत ही जबरदस्त और फास्ट है, और एक बंदे के लिए जो है बिल्कुल काफी है, और अगर छोटा बच्चा हो तो उसके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी तो खैर अक्टूबर का महीना चल रहा है और सर्दियों का मौसम जो है आने वाला है, लेकिन आप इसको जो है आने वाले जो गर्मियां हैं तो उसके लिए आप इसको ले सकते हैं। तब तक शायद इसका जो प्राइस है वो जो है कुछ ना कुछ कंपनी जो है वो कम करेगा। इस फैन की जो बैटरी है वो मैं आपको यहाँ पे जो है दिखा देता हूँ। ये 1200 mAh बैटरी है और यहाँ पे जो बैटरी बैकअप है वो 2 से 8 आवर जो है, 2 से 8 घंटे जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इसका जो वेट है, नेट वेट इसका यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने कुछ गलत लिखा है, यहाँ पे 25 kg लिखा है, पता नहीं ये बहुत ज्यादा है। तो नीचे जो इसका फर्स्ट गियर में जो है इसका जो लिखा हुआ है कि कितने घंटे तक काम कर सकता है, तो फर्स्ट गियर में ये 4 घंटे तक काम कर सकता है, कंपनी ने जो यहाँ पे क्लेम किया है। और जो सेकंड गियर है उसमें 3 घंटे, और थर्ड गियर में जो है ये 2 घंटे तक जो है ये एक चार्ज पे जो है ये आपको बैकअप प्रोवाइड कर सकता है। तो उम्मीद है आपको ये प्रोडक्ट और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी मेरी नई आने वाली वीडियो है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। अल्लाह हाफिज़।